नमस्ते दोस्तों, आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ आज के इस नए वीडियो पे। तो दोस्तों, आज हम आ गए हैं शांघाई की जान और शांघाई का सिटी सेंटर। शांघाई के सिटी सेंटर में एक शानदार गार्डन है जिसको यू गार्डन कहा जाता है। तो अभी हम जा रहे हैं, आपको दिखाएंगे गार्डन का माहौल। और जैसा कि आपको पता है, यहाँ पर कोरोना का सिचुएशन चल रहा है चाइना में, ख़ासतौर पर शांघाई में। तो मैं दिखाऊँगा अंदर कैसा क्या माहौल है, लोग हैं या नहीं है, या फिर कोरोना कितना इम्पैक्ट है, ये सब चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो पे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए दोस्तों। बात करें ठंड की, तो दोस्तों जबरदस्त ठंड पड़ी है इस बार शांघाई में, काफ़ी ठंड है। आप देख सकते हैं सनी है, फिर भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड है। तो दोस्तों, जब लास्ट टाइम हम यहाँ आए थे तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हमको स्कैनिंग, कोड स्कैनिंग वगैरह करके अंदर जाने दिया जाता था। अभी यहाँ से सब कुछ हट गया है। अगर दोस्तों बात करें इस यू गार्डन की, तो दोस्तों ये काफ़ी हिस्टोरिकल प्लेस है और काफ़ी ओल्ड प्लेस है शांघाई का। और ये बेसिकली यहाँ पे अपने आर्किटेक्चर के लिए फेमस है। गार्डन में एक छोटा सा लेक है और कहा जाता है न्यू ईयर के टाइम पे उस लेक को जो क्रॉस करता है वो उसके लिए लक लेकर आता है और काफ़ी लकी होता है। आपको दिख रहा होगा काफ़ी ओल्ड आर्किटेक्चर है ये, और शांघाई की ये जान कहा जाता है, सिटी सेंटर है ये, काफ़ी ब्यूटीफुल प्लेस है। दोस्तों यहाँ पर एक सिटी गॉड का भी मंदिर है, जो शांघाई के सिटी गॉड का मंदिर है। कहा जाता है वो बहुत लकी होता है न्यू ईयर के टाइम पर विज़िट करना। तो हमने ऑलरेडी उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, आप चाहो तो उसे आई सेक्शन में जाके देख सकते हैं। दोस्तों काफ़ी भीड़ भाड़ है, अभी तो हम दिन में हैं दोस्तों, रात को तो यहाँ पे जगह नहीं मिलेगी पैर हिलाने को। तो दोस्तों ये है शांघाई के सिटी गॉड का मंदिर। जिन भी बंदों को लगता है चाइना में पूजा पाठ नहीं होता है, तो देख लो दोस्तों कितनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है मंदिर में दर्शन के लिए। आप देख सकते हैं बहुत भीड़ लगी हुई है यहाँ पे। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सभी नास्तिक है, यहाँ बहुत लोग पूजा पाठ वाले भी हैं। धीरे धीरे लोगों की यहाँ भीड़ होते जा रही है, कितना ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे देखिए। कौन कहता है यहाँ पे कोरोना आया हुआ है, आप कब को लगता है क्या कोरोना है, देखो भीड़ यहाँ पे। देखिए दोस्तों ये है चाइनीज ओल्ड आर्किटेक्चर। तो इसका जो एंट्री है ये काफ़ी ज़्यादा घुमावदार है और काफ़ी ज़्यादा घूम के जाना पड़ता है। सब जगह इन लोगों ने बैरिकेटिंग कर रखी है, आप कहीं से भी नहीं घुस सकते। तो एक ही एंट्री पॉइंट है, अभी हम वहीं जा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा वॉक करके जाना पड़ रहा है, गोल गोल घूम रहे हैं हम लोग गलियों में, चाइना की गलियों में मज़े ले रहे हैं घूम घूम के। नॉर्मली दोस्तों ऐसे टाइप के आर्किटेक्चर आपको कुंकू जेटली के मूवी में देखने को मिलते होंगे। तो आज मैं आपको दिखाता हूँ अपने वीडियो में ऐसे ज़बरदस्त आर्किटेक्चर, ओल्ड आर्किटेक्चर। आप भी इंजॉय करिए और सब्सक्राइब करो दोस्तों चैनल को और भी ऐसे वीडियो के लिए। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं क्या ज़बरदस्त सजाया गया है इसे, और काफ़ी ज़्यादा क्राउड है दोस्तों, और यहाँ तो समझ नहीं आ रहा घुसना कहाँ से। हर जगह पुलिस वाले लगे हुए हैं और बैरिकेडिंग है, तो समझ नहीं आ रहा कहाँ से घुसना है। देखते हैं अभी कुछ जुगाड़ बनाते हैं। देखिए दोस्तों क्या ज़बरदस्त डेकोरेशन है चारों तरफ, शायद हमारे मीडिया वालों को भी देखना चाहिए, इतनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर। अदरवाइज ये तो यही दिखा रहे हैं, लोग मरे जा रहे हैं। पता नहीं दोस्तों, मैंने तो कहीं से तो एक एंट्री ले लिया है, अब पता नहीं ये पेड़ है क्या है, पैसे लगेंगे नहीं लगेंगे कुछ पता नहीं है। आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ पैसे लगते हैं या नहीं लगते। देखिए दोस्तों ये ट्रेडिशनल है, ये रैबिट है ये, और ये ट्रेडिशनल कपड़े हैं जो आज के दिन पहना जाता है। देखिए दोस्तों ये ट्रेडिशनल आप बोल सकते हो स्वीट है जो आज के दिन खाया जाता है। और हर जगह देखिए ये बुड्ढी का बाल, क्या बोलते हैं इसे, बुड्ढी का बाल बोलते हैं हम, ये खरगोश है ये। तो मुझे एंट्री मिल गई है अंदर, एक बंदे का 50 RMB लग रहा है, तो मैंने 100 RMB पे किया, हम दो लोग हैं, बच्चों का कोई टिकट नहीं है। तो अभी हम अंदर दिखाते हैं आपको क्या सीन है। देखिए दोस्तों काफ़ी ज़्यादा भीड़ है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा भीड़। ये है मिक्की और मिनी, मुझे कोई आइडिया नहीं है कौन है, लेकिन देख के लग रहा है कुछ तो राजा वाला गेटअप है ये। बहुत ज़्यादा भीड़ है दोस्तों, यहाँ पे चलना मुश्किल है, और ख़ासतौर पे वायु को लेके चलना तो और मुश्किल है यहाँ पे। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया था ये ईयर ऑफ रैबिट है,
तो ये देखिए बड़ा सा रैबिट है यहाँ पे। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे पीछे काफी ज्यादा क्राउड है, आप देख सकते हैं बड़ा सा रैबिट है ये। देखिए दोस्तों काफी ज्यादा नॉइस है, आपको सुनाई नहीं दे रहा होगा, बहुत ज्यादा नॉइस है यार यहाँ पे, इतनी नॉइस है मेरी कान फट गई। ये देखिए काफी खूबसूरत सा डेकोरेशन है अंदर, काफी ज्यादा ब्यूटीफुल सा इसको डेकोरेट किया गया, लेकिन ये अभी आपको अच्छे से नहीं दिख रहा होगा क्योंकि ये रात को काफी जबरदस्त दिखता होगा। ये मस्त सा डेकोरेशन है ये। जैसे कि दोस्तों मेरे पीछे आप देख सकते हैं क्या जबरदस्त इन लोगों ने बनाया है, ऊपर देखिए डेकोरेशन। दोस्तों ये विश के लिए, आपको विश मांगना है, दुआ मांगना है तो यहाँ पे आप आके बांधिए सब धागे। दोस्तों आपका आवाज़ तो आ नहीं रही होगी, तो आप सिर्फ नज़ारों का मजा लीजिए, चारों तरफ जन सैलाब है। दोस्तों देखो जान हथेली पे लेके घूम रहा हूँ आपके लिए, तो आपका भी फर्ज बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना है। ये दोस्तों चाइनीज ट्रेडिशनल ड्रेस पे ये लड़कियाँ हैं, कितनी अच्छी लग रही है। और वायु यहाँ पे खड़े हैं, वायु हमारे लॉलीपॉप में मस्त। देखिए दोस्तों यहाँ पे टीवी चैनल का इंटरव्यू चल रहा है इनका, छोटे बच्चों का फोटो चल रहा है, ये मम्मा डैडी हैं, ये छोटे बच्चे हैं और ये जबरदस्त नज़ारा है। देखिए छोटा सा बंदर है, नाच रहा है ये देखिए इसे कितना खुश है ये। देखिए दोस्तों आप लोग बोल रहे हैं आप बहुत कोरोना फैला हुआ है, आप ही देख लो कैसे लोग हैं यहाँ पे भरे पड़े हुए हैं। अभी मम्मी को बुड्ढी का बाल खाना है तो हम बुड्ढी का बाल लेने के लिए आए हैं अभी यहाँ पे, तो अभी मम्मा जा रही हैं खरीदने के लिए। मम्मा इशारों में बात कर रही है उनसे। ये है वायु का बनी, शाम का नज़ारा है ये, मस्त लग रहा है ये नज़ारा जबरदस्त। तो देखिए दोस्तों ये है शाम का नज़ारा, देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा क्राउड है। दोस्तों ये वही शंघाई है दोस्तों, आप जो मीडिया में देख रहे हैं लोग मर रहे हैं, यहाँ देख लीजिए भरे पड़े हैं लोग यहाँ पे। दोस्तों ये सब है स्ट्रीट शॉपिंग के शॉप्स हैं यहाँ पे, यहाँ पे स्ट्रीट शॉपिंग कर सकते हो, काफ़ी चीप होता है दोस्तों यहाँ पे। तो ये शॉप है चाइनीज ट्रेडिशनल क्लोथ की, काफ़ी सस्ते मिलते हैं दोस्तों यहाँ पे कपड़े वगैरह। तो मम्मा अभी वायु के लिए बनी ली है, तो ये बनी का कॉस्ट है 30 RM। वायु के लिए मम्मा ने टॉय लेके दिया है, बनी है ये बनी। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं जैसे जैसे अंधेरा हो रहा है माहौल जबरदस्त हो गया। ये देखिए दोस्तों सुनहरा हाथी है ये, तो दोस्तों मैंने कोशिश तो किया था कि आपको ब्रिज तक लेके जाऊं, लेकिन ब्रिज तक जाना पॉसिबल ही नहीं है, इतना ज़्यादा क्राउड है, हद क्राउड है कि वहाँ पे जाना बहुत मुश्किल है। और हमारे साथ वायु है और उसके साथ ट्रॉली है, तो उसको तो लेके जाना इम्पॉसिबल है, तो इसलिए ये सेक्शन मिस हो गया, हम आपको लेके नहीं जा पाए वहाँ ब्रिज के पास, तो ब्रिज का भी माहौल अच्छा रहता है। दोस्तों अगर हिस्ट्री की बात करें तो दोस्तों ये शंघाई के जो गवर्नर थे उनका घर था ये, और उसके जस्ट बाजू में शंघाई के सिटी गॉड का मंदिर है, और ये मंदिर को भी काफ़ी लकी माना जाता है। और शंघाई का जो गवर्नर का हाउस था उसमें एक ब्रिज था और वो रिवर था, माना जाता है उस रिवर और ब्रिज को क्रॉस करना बहुत ही लकी होता है, और ये ट्रेडिशन काफ़ी टाइम से चला आ रहा है दोस्तों, और ये लोग इसको आज भी फॉलो कर रहे हैं। और दोस्तों बात करें अगर हम कोविड की, तो दोस्तों आपको जैसे मैंने दिखाया बाहर तो ऐसा कोई माहौल ही नहीं है कोविड वाला, आप देख सकते हैं लोग बिंदास घूम रहे हैं, पूरा क्राउड भरा पड़ा है, काफ़ी ज़्यादा क्राउड है, तो कोविड का कोई सिचुएशन यहाँ तो मुझे दिख नहीं रहा है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज के वीडियो पे आपको कुछ देखने को मिला होगा, कुछ जानने को मिला होगा और आपने काफ़ी इन्जॉय किया होगा। तो अगर दोस्तों आपने इन्जॉय किया तो इस वीडियो को लाइक करना, और आप पहली बार इस चैनल पर आ रहे दोस्तों आपको क्या करना आपको पता है, आपको सब्सक्राइब करना, वो जो लाल बटन है ना उसको आपको दबा देना है दोस्तों। तो मैं आपसे मिलता हूँ फिर किसी नए वीडियो पर दोस्तों, तब तक आप अपना ध्यान रखें, बाय बाय।